सर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार करते हैं मेडिकल के, आईआईटीज के, तमाम सभी माँ बाप को चाहत होती है कि उनका बेटा आईआईटी क्वालिफाई करे और अच्छा इंजीनियर बने और अच्छी सैलरी भी मिले उसे। लेकिन हम इस साल जो हम देख रहे हैं कि जो प्लेसमेंट हुए हैं उनमें एक आंकड़ा बहुत कम है, करीब 36% स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्लेसमेंट नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिमोरलाइज हुए। क्या वजह है और इसके पीछे की वजह आप किस तरह से देखते हैं? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा अगर आईआईटी गया तो मतलब उनके लिए ऐसे समझिए कि ड्रीम कम ट्रू होता है। आईआईटी में जो प्रोसेस है सिलेक्शन की, दे सेलेक्ट द फाइनेस्ट ब्रेन्स, और जो मोस्ट मेरिटोरियस बच्चे हैं देश भर के वो लैंड अप करते हैं आईआईटी के कैंपस में। ये बच्चे किसी के जॉब के मोहताज नहीं है। इंडिया के जो बच्चे हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, टॉप कंपनीज में सीईओज बन गए हैं, मेरा एक स्टूडेंट है पराग अग्रवाल जो एक्स सीईओ ट्विटर था अभी कुछ दिन पहले, एंड ऐसे बहुत सारे दोस्त बच्चे जो फाउंडर ऑफ कंपनीज हैं, तो दे आर जॉब क्रिएटर्स, दे आर नॉट जॉब सीकर्स। तो यहाँ कोई जो इसका मेन कारण है, जो इसका मेन इसके पीछे का रीज़न है, जो आपको दिख रहा है कि 35% बच्चों को नौकरी नहीं मिली है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो 10 लोगों का काम एक आदमी कर सकता है, कोडिंग जो एक एक आदमी करता था वो आज एआई आपको करके दे रहा है। आपको जस्ट एक फाइनल एक स्टेटमेंट है कि इंग्लिश इज़ द न्यू कोडिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से देर इज़ अ टेम्पररी realignment of jobs that is happening. Companies कम project, कम manpower उन्हें लग रही है in executing the projects. वो outsource कम काम कर रहे हैं to Asian and Indian companies. तो इन सब की वजह से एक temporary effect हमें दिख रहा है कि भाई jobs कम लग रही हैं। But finest brains की सबको ज़रूरत है, हर sector में ज़रूरत है। अभी recently हम PACE के लिए टीचर्स की ज़रूरत होती है हमें, हम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में कैंपस इंटरव्यूज़ करके हमने 25 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो दूसरे सेक्टर्स का फ़ायदा होगा, ये बच्चे अपने स्टार्टअप्स करेंगे, ये बच्चे अपना दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएटिव डोमेन में, कंस्ट्रक्टिव डोमेन में लगाएंगे, और आईआईटी से पास आउट बच्चा कोई भी, नौकरी लगे ना लगे, वो कहीं ना कहीं कामयाबी के रास्ते पर चलेगा ही चलेगा। So I don't think there is anything to panic or worry. It's a temporary global slowdown which is having an impact. और जो face पे ऐसे दिख रहा है कि 35% बच्चों को job नहीं लगी है, but I can assure you one thing. I am myself from IIT Delhi और मुझे ये पता है कि IIT की जो fraternity, IIT के जो बच्चे हैं, IIT का जो brain है, ये world का finest brain है। और ये बच्चे नौकरी लगे ना लगे, it's a blessing in disguise. जिनकी नौकरियां नहीं लगी है ना, वो शायद ऐसा पाथ चूज करेंगे जो औरों से भी आगे लेके जाएगा उन्हें। सो इट्स अ नॉट टू वरी सिचुएशन इन माय ओपिनियन। लेकिन कोई भी स्टूडेंट है जब वो फाइनल होता है उसका, और उसके बाद जब प्लेसमेंट होते हैं, तो उसकी एक चाहत होती है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उसका भी सिलेक्शन, कहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है? और जब उनका, उन बच्चों का भविष्य में भले ही वो जो भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उस वक्त जब उनका नहीं होता है तो वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ देखिए, ये जो है ये सब टेम्पररी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है एट द मोमेंट, क्योंकि जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे उसे अब एक आदमी कर पा रहा है यूजिंग एआई। जो अलाइनमेंट हो रहा है अब इंडस्ट्रीज का, कॉरपोरेशंस का, टॉप कंपनीज का, वो अलाइनमेंट होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये जॉब्स परमानेंटली डिसअपियर हो गए हैं या नीड फॉर द फाइनेस्ट ब्रेन्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इन एवरी इंडस्ट्री किसी भी वे में। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उनकी नीड्स हैं, उन्हें सॉल्यूशंस चाहिए, वो सॉल्यूशंस इस वक्त एक मेजर पार्ट ऑफ दैट इज बीइंग
केटर टू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से टेम्पररी सेटबैक इन बच्चों की लाइफ में आया है. बट आई डोंट थिंक दैट समथिंग टू वरी अबाउट. और जो आपने कहा कि हर बच्चे का एक सपना होता है, IIT में आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे एक सर्वे कराया गया था जिसमें हर बच्चे से पूछा गया था कि आपकी पहली चॉइस क्या है. तो अपना कुछ शुरू करना दूसरा ऑप्शन था, जॉब तीसरा ऑप्शन था, सिविल सर्विसेज, MBA, फर्दर स्टडीज, ये सब. तो टॉप मोस्ट बच्चों का खुद का कुछ करना वॉज द मेन, 80% बच्चों का वो था. जॉब तो IITians के लिए वैसे ही एक बड़ी प्रायोरिटी नहीं होती है. सो हाँ, एक सुनने में कहने में अच्छा लगता है कि भाई अभी डिग्री फिनिश की और नौकरी लग गई या नहीं लगी. ये एक टिपिकल सोसाइटल माइंडसेट है जो अपेरेंटली ऐसे लगता है कि भाई कितनी पैनिक की सिचुएशन है. बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, IIT वालों के लिए ये कोई सेटबैक नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है. दे विल बी नाउ वर्किंग ऑन देयर आइडियाज, डूइंग स्टार्टअप्स, दे विल बी परस्यूइंग फर्दर एजुकेशन. ये जो स्लैक पीरियड है ये उनको और रिफाइन और बेटर और कॉम्पिटेंट बनाएगा. सो आई डोंट, जॉब की जो कमी है सिर्फ इंडिया में है या फिर ये ग्लोबल तरीके से? ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया में इसकी बात हो रही है? नहीं, US में भी हो रही है. आप यहाँ इंडिया में बैठ के आपको नहीं पता है, बट US में भी मेजर स्लो डाउन है. जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे पेस के अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ने जाते हैं, इवन दे आर टॉकिंग अबाउट कि द प्लेसमेंट्स आर वेरी बैड इन दोज यूनिवर्सिटीज़. एंड तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया. इंडिया में क्या होता है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के पेश किया जाता है. सो जो चीज़ ग्लोबली हो रही है और जो जनरेटिव AI का जो इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब जॉब्स पे हर चीज़ पे दिख रहा है, वो चीज़ इंडिया स्पेसिफिक कहाँ है? अगर ऐसा है तो फिर क्या ऐसे में सरकार पे किसी भी तरह का ब्लेम लगाना ठीक हो? आई डोंट थिंक सो. बारिश हो कि जी सरकार की वजह से बारिश नहीं हुई, हो गई, सरकार का इससे क्या लेना देना है? सरकार इज अ फेलिसिटेटर, सरकार इज क्रिएटिंग मोर IITs. सरकार ने, अभी मैं IIT जोधपुर होके आया, वी हैव कोलैबोरेटेड विद IIT जोधपुर फॉर स्टेप अप स्किलिंग इन स्कूल्स. और इतना सुंदर कैंपस, कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, इतनी रिसर्च फैसिलिटीज, इतनी एक दूसरी दुनिया बनाई है IIT जोधपुर में. और इस तरह के जो इतने IITs एक्सपेंशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा IITians बन रहे हैं, तो सरकार को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता जरा भी उचित है. सरकार इज डूइंग एवरीथिंग राइट. ये जो ग्लोबल मार्केट्स, देयर नीड्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस, जनरेटिव AI का एंटर करना, ये सब चीज़ें सरकार का इससे क्या लेना देना है? सरकार तो इनफैक्ट, व्हेन आई लुक बैक एंड आई ग्राउंड पे, बिकॉज वी आर वर्किंग इन स्किलिंग एंड स्कूल एजुकेशन, हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टीचर्स ट्रेनिंग और सब चीज़ों की बात हो रही है. तो मोदी जी स्पेसिफिकली आई विल से इज़ अ ग्रेट लीडर, विजनरी, जिन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने की बात कही है. फ्यूचर ग्लोबल लीडर्स बनाने के लिए स्कूली शिक्षा पे जोर दे रहे हैं कि बुनियादी रूप से बच्चे आज तैयार होने शुरू हो जाएं कल को लीडर बनने के लिए अक्रॉस द ग्लोब. सो आई डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट एट ऑल. इन माई ओपिनियन इट इज ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टिंग द जॉब सिनेरियो एट द मोमेंट. एंड आई सी नथिंग पैनिकी अबाउट इट. आई सी अ रीअलाइनमेंट हैपनिंग, आई सी अ चेंज इन सिनेरियो, एडेप्टेशन. आई सी दैट पीपल जो कन्वेंशनल जॉब्स और डिग्रीज हैं, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, मैंने मैकेनिकल, हो सकता है कि उन इंजीनियरिंग्स को छोड़ के यू हैव टू एक्वायर स्किल्स विच विल बी मोर रेलेवेंट टुडे, विच विल बी मोर नीडेड टुडे, दे कैन बी मोर क्रिएटिव स्किल्स दैट यू नीड टू एक्वायर. तो वो रीअलाइनमेंट हो रहा है जॉब सिनेरियो में. चेंज ये हो रहा है कि इस वाली चीज़ की जरूरत नहीं है, अब दूसरी चीज़, क्रिएटिव आस्पेक्ट्स, उन चीज़ों पर फोकस करो. So that's it. AI की वजह से कब तक आप समझते हैं कि ऐसा क्राइसिस, ये क्राइसिस कितने सालों तक रहेगा? या hardly 2 to 3 years. I feel के अगले 2 से 3 साल में realignment हो चुका होगा. People would have adapted. एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा layman example मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बच्चा
एक काम को, सड़क बनाने को लेबरर हम लगा रहे थे, और लेबरर ने हमारे 500 लेबरर्स लगे हुए थे सड़क बनाने पे। अब अचानक से आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया, क्रेन ले आए, मशीनें ले आए, और अचानक से वो काम 50 लोग कर रहे हैं जो 500 लोग पहले कर रहे थे। तो 450 लोग आपको उस मोमेंट पे ऐसे लगेगा अनएम्प्लॉयड हो गए और टेक्नोलॉजी ने जॉब खा लिया। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूसेज हो चुका होगा, अडेप्ट हो चुके होंगे, तो देर विल बी पीपल हु विल बी नीडेड टू रन दोज मशीन्स, देर विल बी पीपल। सो अडेप्टेशन, रीअलाइनमेंट, इस सब में 2-3 साल लगेंगे। लोगों को वही जनरेटिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सोचिए कोई इंजीनियरिंग ही नहीं थी ये अब से 1 साल पहले तक, और आज द मोस्ट हैपनिंग थिंग है कि इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या सवाल पूछना है, क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और उसके लिए आपको कितना स्मार्ट राइट कीवर्ड सर्च वर्ड सब क्वेश्चंस डालने हैं जिससे वो राइट आउटपुट दे। अब ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग बन गई। कहाँ आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के ये मशीनें लगाओ और बच्चे को ये सिखाओ। सो ये ट्रांजिशन टाइम है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, लोगों का फोकस जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रिसोर्सेज नीड्स और सॉल्यूशंस थे उससे रीफोकस हो रहा है। तो आप कैमरे के फोकस को एक जगह से चेंज करके दूसरी जगह जब फोकस करते हैं तो वो जो ट्रांजिशन टाइम है उसमें सब ब्लर दिखता है, ये वो वाला टाइम है। दैट्स इट। आईआईटी बॉम्बे जो है सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जहाँ से बच्चे निकलते हैं। हम भी, आप भी बॉम्बे में ही रह रहे हैं, वहाँ पे भी इस तरह की चीजें इस बार देखने को मिली हैं। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तमाम निकलते हैं बाहर बाहर काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, आप लोगों की बातें चीत होती है, और किस क्या निकल रहा है इसको लेकर क्या आप बात? देखिए मेरे, मैं 25 साल से आईआईटी मेडिकल की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, पेस आईआईटी एंड मेडिकल महाराष्ट्र में इतने सालों से काम कर रही है। मेरे बच्चे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज टेस्ला, फेसबुक, गूगल, सब जगह पे प्लेस्ड हैं, टॉप पोजीशंस में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो ब्रेन है, इंडियंस जो यूएस जाते हैं, अलग ही रिस्पेक्ट। इनफैक्ट आईआईटी मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड है इंडिया के लिए अब्रॉड, ये फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड है। ये हमारा जो सिस्टम है आईआईटीज का, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो इतना डेडिकेटेड, इतना फाइन, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद आईआईटी दिल्ली का पार्ट रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी आईआईटी दिल्ली में पढ़ा है जो आईपीएस है अभी, और मैंने देखा है कि इन प्रोफेसर्स को जो पे किया जा रहा है इट इज़ नोवेयर नियर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ग्लोबली, बट उनकी डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है, शिद्दत में कोई कमी नहीं है, कॉम्पिटेंसी में कोई कमी नहीं है। वो जो आईआईटी के टॉप रैंकर्स और फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं उन्हें पहले दिन जब एग्जाम कंडक्ट करते हैं ना और चैलेंज करते हैं उनके इंटेलेक्ट को, और बच्चों के जो रैंक वन भी रहा है और वो भी जब रोता हुआ प्रोफेसर के पास जाता है ना कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए, सोचिए उनमें कितनी क्षमता, कितनी एबिलिटी, कितना टैलेंट है कि दे कैन टेम द फाइनेस्ट ब्रेन्स एंड ट्रेन देम एंड ग्रूम देम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। आई फील इस देश में अगर कोई एक सबसे सुंदर सबसे अच्छा ब्रांड है वो है आईआईटी। ये जो फ्रिटर्निटी है, ये जो बच्चे हैं, ये जो टीचर्स हैं, ये जो सिस्टम है, ये सब वर्ल्ड की सबसे कॉम्पिटेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट ब्रेन्स का सेट है ये, इनके ट्रेनर्स भी, इनके टीचर्स भी, ये बच्चे भी। ये बच्चे अभी तो शुरुआत हुई है टेक्नोलॉजी की, अभी तक TCS, इन्फोसिस ये क्या करते थे, ये बॉडी शॉपिंग करते थे, ये लोएस्ट जो जॉब्स होते थे ना उनको इन्हें दे दिया जाता था कि ये मेडिकल। मेरे सीनियर्स, आई रिमेम्बर आईआईटी डेज में कि कंप्यूटर इंजीनियर जो हमारे बैच सीनियर बैच के बच्चे थे वो आके बताते थे कि यार हमें डेटा एंट्री का काम दे रखा है, मेडिकल हॉस्पिटल की कुछ कुछ ऑनलाइन एंट्रीज। सोचिए एक आईआईटी के कंप्यूटर इंजीनियर को, ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज हमारी आईआईटी के लड़के, मेरा एक सीनियर है अरविंद जैन, $6 बिलियन कंपनी रूपरेख बनाई, अब दूसरी कंपनी बनाई है जो ग्लीन करके। आई फील प्राउड ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, ये बच्चे, ये ब्रेन्स, ये ग्लोबली कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, ये
नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, और इंडिया विल इमर्ज एज द टेक्नोलॉजी हब इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। एक लास्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं, जैसे मैं 35% की बात जो इस समय खबर बना, जब इन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं है तो वो भी ऐसे बच्चे भी आप लोगों को जो है फोन करते हैं, बताते हैं, और फिर आप उन्हें क्या समझाते हैं? जब भी ये देखिए, इसके बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि बच्चे, क्योंकि जब वो 4 साल आईआईटी का पार्ट रह चुके हैं और उन्हें अपने सीनियर बैचेस की जर्नी कहानी सब पता है, उनके ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं। देर आर सो मैनी ऑफ देम हु डू नॉट इवन वॉन्ट टू सेट फॉर प्लेसमेंट्स। दे आर वर्किंग ऑन देयर स्टार्टअप्स, दे आर क्रिएटिंग बिजनेस प्लान्स, पिचिंग इट टू इन्वेस्टर्स। सो आई कैन अश्योर यू कि वो जो पैनिक सिनारियो एक मीडिया को या कॉमन पब्लिक को लग सकता है कि ये 35% बच्चों को जॉब्स नहीं मिले तो हाहाकार मचाओगा, रो रहे होंगे बच्चे, डिमोरलाइज होंगे बच्चे, ऐसी कोई सिनारियो ही नहीं है। आईआईटी के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर कोई आईआईटीयन अभी वॉक इन करे और पेस में आके और मुझे बोले कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, एंड इफ़ ही हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आईआईटी की तैयारी, खुद आईआईटी क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है कि उसे सब्जेक्ट आता है, तो मैं उसे इमीडिएटली जॉब दे दूंगा। तो इनके लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है। ये तो कैंपस प्लेसमेंट में जो टॉप कंपनियां आती थी ग्लोबली, और उनका काम जो है अचानक से वो थोड़ा सा मशीनें एफिशिएंटली करने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको ज़्यादा वो कर दिया है, तो वो वाली कंपनियां कम अपीयर हो रही हैं। और ये बाकी सेक्टर्स के लिए, जैसे कोचिंग, ट्रेनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, टीचिंग, अब दिस विल इम्पैक्ट एंड हेल्प अदर सेक्टर्स। अगर हमें स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ानी है, हु विल टीच दैट? कहाँ से आएंगे वो टीचर्स? तो ये आईटीएंस विल बी द बिगेस्ट रॉ मटेरियल जो पढ़ाने के लिए बेस्ट सूटेड होंगे टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप को। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स अ बून फॉर अदर सेक्टर्स। अगर टेक्नोलॉजी में स्लो डाउन है ग्लोबली और वो इम्पैक्ट कर रहा है कि उन बच्चों को टेक्नोलॉजी डोमेन में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो ये जब दूसरी डोमेन्स में उतरेंगे तो वहाँ पे भी मचाएंगे। ये तो आपने देखा होगा, मेरे अपने बैच के मैंने देखा है, लोग सिविल सर्विसेज में छाए हुए हैं। जब टॉप 20 की रिजल्ट आता था सिविल सर्विसेज का, तो उसमें पता चलता था 18 ITNs हैं, हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ। सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, MBA करके मैनेजमेंट जॉब्स में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल जॉब्स में तो कोई ITN वैसे ही नहीं रहना चाहता है। 2-4 साल में सब MBA करके कॉरपोरेट में आपको मैनेजमेंट जॉब्स में मिलेंगे, आपको स्टार्टअप्स करते हुए मिलेंगे। सो द होल कल्चर हैज चेंज टूडे। द नीड्स ऑफ IITians जो पास आउट हो रहे हैं, उनकी नीड जॉब है ही नहीं। जॉब तो एक सिक्योरिटी के लिए कि बस पेरेंट्स को दिखाना है, सोसाइटी को दिखाना है कि मेरी नौकरी लग गई है। प्लान्स इसके, इन बच्चों के एनीवेज अल्टरनेटिव होते हैं। 60-70% बच्चों का प्रायोरिटी ये होती है कि साल दो साल जॉब करके थोड़ा पैसा जोड़ के या तो अपना कुछ शुरू करेंगे, या MBA करूंगा, या सिविल सर्विसेज करूंगा। जॉब तो नाम मात्र के लिए लेते हैं ये। Why these top companies, NITs और बाकी जगह पे ये जो TCS, VCS है ना, ये सब लोग IITians को कम लेते हैं, NIT वालों को ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है IIT वाले टिकते नहीं हैं, 2-4 साल में ये कुछ ना कुछ और करने लगेंगे, तो दे प्रेफर टू टेक NITians जो स्टे करेंगे, 10-20 साल कंपनी के साथ रहेंगे, एम्बिशियस नहीं होंगे। सो IIT के केस में जॉब की चिंता या जॉब कम लगे हैं, 35% को नहीं मिला है, मैं ये जानता हूँ, इंटरनल DNA जानता हूँ मैं IITs का, क्योंकि मैं उस सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। मैं 25 साल से IITians बना रहा हूँ, 10-20 हज़ार बच्चों को IIT में टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस किया है, तो आई कैन अश्योर यू, आई नो इट इन एंड आउट के इन बच्चों के लिए जॉब लास्ट प्रायोरिटी होती है और इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। सो ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और इस सब का, जैसा आपने बीच में एक प्रश्न पूछा कि क्या सरकार जिम्मेदार है, आई डोंट थिंक सरकार का इससे कोई लेना देना है। सरकार अपने लेवल पे बेस्ट कर रही है, जो उनका विजन जो चीज़ है। ये सब एक ग्लोबल मेल्टडाउन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से एक टेम्पररी इम्पैक्ट है जो आया है, और वो दिख रहा है, लग रहा है, बट इट डजंट इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ IITs एंड IITians एट ऑल।